सो हे गाइस व्हाट्स अप, लास्ट टाइम एलयूबी वीडियो बनाया था, नहीं देखा लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लो तुरंत ही, ठीक। वहां पे कुछ भाई लोग थे जैसे कि मान हो गए, आशु हो गए, अतुल हो गए, ये लोग कुछ लोग थे जो कि पर्टिकुलर बीबीडी के लिए बोल रहे थे, मतलब बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे थे भाई भैया प्लीज बीबीडी में बनाइए। मतलब मुझे कुछ खास बीबीडी नहीं लगता है, लेकिन मतलब वो लोग कुछ ज्यादा ही बोल रहे थे भाई बीबीडी बनाए, बहुत तारीफ सुना। तो इस बार आ गया ना उनका पूरा चिट्ठा खोलने, बीबीडी कितना तारीफ सुने, मैं आज बताऊंगा क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, बता दूंगा क्या क्या कमियां जिस वजह से कॉलेज में नहीं जाना चाहिए और क्या क्या खूबियां जिस वजह से कॉलेज में आना चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं, याद रहना जब तक हम लोग तुम्हारे साथ है ना तब तक हर कॉलेज खुलिया खोलूंगा पूरा ए टू जेड, लेट्स बिगिन ब्रो। तो मैं आपको बता दूं जो बीबीडी का फुल फॉर्म है वो बाबू बनारसी दास है, जो कि हमारे फॉर्मर मतलब चीफ मिनिस्टर थे, ये उत्तर प्रदेश के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे, ठीक है। तो इनके तो लड़के थे अखिलेश दास, उन्होंने 2010 में ये यूनिवर्सिटी बनाया, ठीक है। यूनिवर्सिटी हर टाइप के कोर्स प्रोवाइड करता है तो अच्छी खासी करता है, बैचलर डिग्री भी पोस्ट ग्रेजुएशन पीएचडी तक करता है, ठीक है। बताऊंगा फीस वगैरह सब बताऊंगा, ठीक है। इसका जो लोकेशन है वो फैजाबाद रोड पे, मतलब फैजाबाद रोड समझ रहे हैं हाईवे पे, मतलब कि पूरा हाईवे भाई खुला हाईवे है जो कि कनेक्ट करता है मतलब लखनऊ को भाई सीतापुर वगैरह सब कनेक्ट करता है, उधर का अयोध्या वगैरह सब कनेक्ट करता है, उस वाले हाईवे पे भाई, ठीक हाईवे पे बिजी रोड है, अच्छी बात है, मतलब कहीं भी कभी कहीं भी जा सकता है, ठीक है। उससे ठीक 1 किलोमीटर दूरी पर भाई बस स्टैंड है, भाई पॉलिटेक्निक बस स्टैंड है, मतलब 1 किलोमीटर डिस्टेंस है, मतलब अच्छा है, तुमको कहीं जाना चले जा सकते हो, ठीक है। और उसी पॉलिटेक्निक के पास मेट्रो स्टेशन भी है, मतलब अच्छी बात भाई मेट्रो में जा कहीं भी तुम लखनऊ में सफर कर सकते हो, ठीक है। और एक और सबसे बड़ा अच्छी चीज बता दो, इसके ठीक सामने मॉल है भाई, बहुत बड़ा मॉल है, अभी खुला है, मतलब मेरे हिसाब से भाई सहारा के बाद ये सबसे बड़ा मॉल है भाई पूरे लखनऊ में, ठीक है, बहुत तगड़ा मॉल है भाई, जाना एडमिशन ले दो जाना उसमें, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है भाई। और मैं बता दूं इसमें जो कोर्सेज प्रोवाइड होते हैं जैसे बीटेक होते हैं बैचलर इन टेक्नोलॉजी, ठीक है, आपको बीबी होती है, और मैं बता दूं आपको बीटेक लेटरल एंट्री होती है, ठीक। और मैं बता दूं आपको कि मतलब उसके बाद ये इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन का टाइप भी होता है, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन एमटेक होता है, एमबीए होता है, और आपका फिर एमडीएस होता है जो कि भाई बायो समझ रहे हो, आपको कंप्लीट वीडियो चाहिए तो कमेंट करना, मैं एकदम अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। और मैं बता दूं आपको जो बीटेक की जो फीस है, ठीक है, वो 1.25 है, और इसमें मतलब 1.25 लाख भाई, ठीक है, पूरे साल का, ठीक। तो भाई इसमें मतलब एफ और एडमिशन की बात है तो एकेटीयू आपने नाम सुना होगा, नहीं जानते हैं कमेंट करिए, नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा पक्का वादा, ठीक है। तो मतलब एकेटीयू के थ्रू ले देते हैं, या तो भाई इन लोगों का खुद का इंटरेस्ट होता है उसके थ्रू ले देते हैं, या तो मेरिट भी आ जाए तभी भी ले लेंगे, ठीक है भाई। और फिर मतलब इसके बाद आपका बीबी आ गया, बीबी में भाई सीधा जो तोड़ से जा सकते हो, और या तो एक मतलब नॉर्मली ऐसे एहसान के लिए भाई एग्जाम करवा देते हैं भाई, कैसा भी नहीं एडमिशन हो जाता है, ठीक है। बीबीडी में इंटरेस्ट निकालना बहुत मुश्किल नहीं है, कुछ लोग सोचते हैं बहुत मुश्किल है, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, आज बहुत ही इजी आता है, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया मतलब एमडीएस और वगैरह, ठीक है। तो एमडीएस में हो गया भाई, एमडीएस में बताया कि कंप्लीट वीडियो बना दूंगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा तो कमेंट में कमेंट करिए, मैं पक्का इस पे वीडियो बनाऊंगा, ठीक। और आपका एमबीए आ गया, तो एमबीए में लोग कैट का रिजल्ट भी लेते हैं, मतलब कैट में भाई ठीक ठाक परसेंटाइल पाते हो ना भाई तो तुम्हारा एडमिशन होगा, कैट में ठीक ठाक परसेंटाइल पाते हो जाएगा एडमिशन, ठीक है। गेट में ठीक ठाक पाते हो तो एमटेक में हो जाएगा भाई एडमिशन, ठीक है। और मतलब वैसे भी इन भाई नहीं भी देते हो एग्जाम भाई, तभी थोड़ा भी सोर्स हल्का सोर्स लगा दो हो जाएगा, या मतलब एडमिशन ऐसे भी नहीं होता भाई, मतलब बहुत ज्यादा एडमिशन नहीं होता तो भाई मतलब तो रिक्वेस्ट भी कर देते हो काउंसलर से तो एडमिशन हो जाता है, बीबीडी में बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है। और मैं बता दूं आपको मतलब इसका जैसे कि लोग पूछते हैं कि भैया इसमें जैसे कि एडमिशन प्रोसेस क्या, मैं सब चीज़ का बता दिया सारे कोर्स में कैसे एडमिशन होता है, और भाई मतलब बेसिकली लोग इस पर बीटेक और मैनेजमेंट के लिए जाते हैं दोनों पर मतलब कर ही दिया, और किसी कोर्स के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं पूरा का पूरा वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और मैं बता दूं आपको इसमें मतलब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। पहले मैं एडवांटेजेस डिस्कस कर देता हूँ जो कि अच्छी अच्छी बात है। पहले एडवांटेज आपको मैंने बता दिया स्टार्टिंग में ही कि भाई इसके बस स्टैंड जो कि वो केवल 1 किलोमीटर दूर पर है, ठीक है, और ठीक सामने मॉल है जो कि बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। दूसरा एडवांटेज आपको बता दूं 95 एकड़ में जमीन पूरा फैला हुआ है, 95 एकड़ मेरे भाई। एलयू को मैंने वीडियो बनाया था लास्ट टाइम, नहीं देखा लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लो भाई, ठीक है। उसमें मैंने बताया कि एलयू भाई लखनऊ विश्वविद्यालय इतना बड़ा मतलब यूनिवर्सिटी, ठीक है, गवर्नमेंटेड यूनिवर्सिटी 75 एकड़ में पूरा फैला है, और ये उससे ज्यादा 95 एकड़ में जमीन फैला हुआ है, ठीक है। ये जो बीबीडी है ये कई कॉलेज जैसे कि राम स्वरूप हो गए, एमईटी हो गए, और काफी बढ़िया कॉलेज जो लखनऊ में है, ठीक है, इंट्रीगल हो गए, इन सबको पीछे करके इन लोग से बड़ा कैंपस बनाया हुआ, इन लोगों का बहुत ही बड़ा कैंपस है, अच्छी बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बढ़िया है, ठीक है, कैंपस के साथ साथ, ठीक। और मैं बता दूं उसमें प्लेसमेंट में ठीक ठाक होती है, अच्छी होती है, लोग अच्छा रिकमेंड करते हैं, ऐसा नहीं कहते बहुत बेकार है, लेकिन मतलब ठीक ठाक होती है। और मैं बता दूं इसमें इसमें कैफे भी है, मतलब कैफे में चाय वगैरह पिए, ठीक है। और मैं बता दूं मैं इसके लोकेशन में तारीफ करूंगा, ठीक है, मैं एडवांटेज में केवल लोकेशन बता सकता हूं इसलिए क्योंकि भाई लोकेशन कुछ ज्यादा बढ़िया है, इसके ठीक सामने भाई तो आपको स्ट्रीट फूड से बहुत ज्यादा चीजें मिल जाएंगे, ठीक है भाई। बताइए मॉल है उसके आगे,
और मैं बता दूं कि ये लोग भाई स्पोर्ट्स पर्सन को काफी सपोर्ट करते हैं, मतलब आप थोड़ा सा स्पोर्ट्स लिख ले भाई आगे, इतना सपोर्ट देंगे कॉलेज में तगड़ा भाई, पूरा सपोर्ट देंगे भाई तुम्हें, फाइनेंशियली चाहिए स्पोर्ट्स के लिए सपोर्ट वो देंगे भाई, और मैं किसी फील्ड में चाहिए तो वो थोड़ा मोड़ा सपोर्ट भाई देते हैं सब, ये मैं तारीफ करूंगा। अब मतलब स्पोर्ट्स में बहुत लोग निकलते हैं ठीक है, बहुत आगे काफी आगे निकलते हैं ठीक। और मैं बता दो आपको मतलब इसका एडवांटेज बता दो, सबसे पहला जो सबसे बुरा डिसएडवांटेज लगा भाई इसमें ये लोग एकेडमिक पे ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। जी हाँ, एकदम पढ़ाई के मामले में जा रहे भाई, मुझे पढ़ना ही उसके अलावा कुछ नहीं कर रहा है भाई, तब तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कॉलेज क्योंकि इसलिए क्योंकि भाई हमें ज्यादा पढ़ाई में एकदम ही ध्यान नहीं देते हैं ठीक है। प्लेसमेंट इशू बहुत ही ज्यादा बढ़िया नहीं है, होता है ना मतलब एक्सट्रीम लेवल वाली कि भाई हाँ भाई 85% पर स्टूडेंट पे जो है वो लेवल की नहीं है, ठीक ठाक वाली है ठीक ठाक ठीक है। और मैं बता दूँ कि इसमें मतलब कि एडमिशन आसानी से हो जाता है भाई, और मैं बता दूँ ये चीज लोग कुछ सोच रहे होंगे एडवांटेज है भाई एडमिशन आसानी से होता है, लेकिन सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जिस कॉलेज में प्लेसमेंट यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट नहीं होता है भाई उसी में एडमिशन आसानी से होता है ठीक है। मैं ये चीज एनालाइज करके मैं समझ गया ठीक है। और मैं बता दूँ टीचर्स में सपोर्टिव नहीं है मेरे भाई, मैंने कुछ अपने दोस्तों से बात किया टीचर्स में कुछ खास सपोर्टिव नहीं है, मतलब ऐसे कुछ खास सपोर्टिव नहीं है ठीक है। और मैं बता दूँ एक और डिसएडवांटेज में पॉलिटिक्स काफी होता है भाई ठीक है, मतलब जैसे एलयू में बताया था पॉलिटिक्स क्या है वैसे समझो इसमें पॉलिटिक्स मतलब काफी पॉलिटिक्स है ठीक है। और मैं बता दूँ इसका प्लेसमेंट का ठीक है, तो इसमें प्लेसमेंट और अच्छी कंपनीज आती है आईबीएम जैसी कंपनी आती है, आईबीएम हो गई विप्रो हो गई बायजूस हो गई ठीक है। मैं बता दूँ इसमें जो लास्ट ईयर का भाई हाईएस्ट प्लेसमेंट दिया था वो बायजूस ने दिया था 8.20 लाख का, मतलब 8,23,000 लोगों को दिया था सेम रेट पे ठीक है, मतलब यही हाईएस्ट प्लेसमेंट दिया था। एवरेज प्लेसमेंट का 2-3 लाख के बीच में लैंड करता रहता है ठीक है, और मिनिमम जो प्लेसमेंट जाता है वो 1 लाख के नियर अबाउट जाता है 90,000 के आसपास हम ठीक। तो मतलब कुछ लोग इस चीज़ के लिए मतलब इसमें बात कुछ सीन ये है ना कि प्लेसमेंट में 90,000 मैंने बोला 90,000 मतलब जाता है कम से कम, उसमें बहुत ज़्यादा बच्चे रेशियो में आते हैं ठीक है, उनके मतलब इसमें कुछ प्लेसमेंट के लिए बढ़िया नहीं है ठीक। और इसमें और भी काफ़ी कंपनी आते हैं जैसे रिलायंस हो गई आपकी ठीक है, और वैसे एयरटेल हो गए वोडाफोन हो गए भाई, इंटर्नशिप काफ़ी देती है कॉलेज भाई, अच्छी बात लगी मुझे सेकेंड ईयर से इंटर्नशिप देने लगती है, अच्छी तारीफ करूँगा इसकी ठीक है। तो भाई कुछ भी और वीडियो का किसी भी वीडियो का किसी भी किसी समय भी भाई तुमको कोई भी रिव्यू चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, पूरे डिटेल निकालूंगा। इसमें कोई वीडियो में कमी लगी भाई कमेंट करो, कोई भी चीज़ पर मैं कमेंट में तुरंत मैं तुम लोगों को तुरंत बताऊंगा हर चीज़ बताऊंगा ठीक है। तो भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग भाई, लाइक कर देना और सब्सक्राइब पर ठोक देना भाई, और भाई वादा करता हूँ जो भी कॉल होगा नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।